पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह आज मुरादाबाद में MLC चुनाव में मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 36 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव चल रहा है, जिसमें से 9 सीटों पर भाजपा ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है और बाकी सीटों पर लोग जमकर भाजपा को मतदान कर रहे हैं और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेगी। वहीं अखिलेश यादव के मुर्तजा को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा, चाहे मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल हो चाहे अखिलेश यादव का कार्यकाल हो, समाजवादी पार्टी हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है। उनका चरित्र है ये, उनका चरित्र से प्रदर्शित होता है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार उन्होंने पहले आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं कर पाए, इससे जग जाहिर है कि उनका चरित्र समाज के सामने उजागर हो चुका है कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। MLC के स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र के विधान परिषद के चुनाव है, 36 सीटें हैं, जिसमें 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। 27 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं और जिस तरह का ट्रेंड है, जिस तरह मैं भी आज मतदान करके आया हूं अपने पोलिंग स्टेशन पर, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं और सभी जनप्रतिनिधि अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं, विकास के लिए मतदान कर रहे हैं और अपना विषय वो विधान परिषद में ध्यान आकर्षण करने के लिए, अपनी समस्याएं उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और मुझे लगता है सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीतेगी। अखिलेश यादव वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम जो है उसमें रिपीट करने वाले हैं और जो है भाजपा को पटकन ही देंगे, बहुत गर्वी वो गलत फहमी का शिकार हैं और उन सारी जानकारी 12 तारीख को जब काउंटिंग होगी, परिणाम घोषित होंगे, तो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी किस तरह का माहौल बना रहे थे वो, किस तरह शोर मचा रहे थे, बाद में प्रदेश की महान जनता ने एक बड़ा जनादेश देकर 2/3 से अधिक सीटें माने योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को दी हैं और सरकार बनी है। तो इस बार तो ये जो 27 सीटें हैं, 27 सीटों में सब सीटें मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में विधानसभा की तरह पूर्ण बहुमत में। सर, क्योंकि अखिलेश यादव की बात चल रही है, पिछले 2 दिनों से अखिलेश यादव का एक बयान वायरल हो रहा है, वो मुर्तजा को लेकर के जो है बयानबाजी कर रहे हैं, एक आतंकवादी जिसके साथ में जुड़ना बताया जा रहा है, एक ATS उससे पूछताछ कर रही है, वही जो है उसका बचाव करते हुए वो सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा, आप देखो चाहे मुलायम सिंह जी के कार्यकाल के समय हो या अखिलेश जी का कार्यकाल हो, समाजवादी पार्टी की जिस तरह से आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है वो उनका चरित्र है और चरित्र परिलक्षित होता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रदेश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वो ये सब नहीं कर पाए, तो उनके बारे में जग जाहिर है और उनका चरित्र समाज के सामने उजागर हो चुका है कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। चुनाव हार क्या ये सर चुनाव हार का परिणाम देख सकते हैं कि वो वोट बैंक को लुभाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी और सभी और राजनीतिक दल वोट बैंक समझकर इस तबके को, समाज के को उन्होंने जिस तरह से विभाजित करके, बंटवारा करके अपना वोट बैंक खड़ा करने का प्रयास किया है। सभी समाज के लोग, पूरे प्रदेश की महान जनता इस विषय को समझ चुकी है, अब उनके साथ कोई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उसी फार्मूले पर काम कर रही है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबके विकास के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके सम्मान के लिए योगी जी काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्या इसके बाद में जो ये चुनाव चल रहे हैं, इस समय विधानसभा समाप्त हुई है, विधान परिषद शुरू हो गया, उसके बाद में आगे और भी चुनाव है, क्या ये माने कि 2024 की तैयारी जो है वो पूरी तरह से चल रही है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में सरकारें और सभी कार्यकर्ता का हम लोग काम कर रहे हैं और हमेशा भाजपा का कार्यकर्ता 12 महीने 360 दिन काम करता है, जनता के बीच में रहता है और हम लोग
निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ता मेहनत सक्रियता के आधार पर अच्छे राजनीतिक परिणाम लाते रहे हैं और मुझे विश्वास है कि 2024 हो या जो भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अच्छे जनादेश के साथ जीतेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।